हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम प्रिपरेशन। आज हम देखेंगे प्राचीन भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर एक, सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लोथल। लोथल वर्तमान में गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर दो, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मकान बने होते थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पक्की ईंटों के। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर तीन, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदाड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। वर्तमान में मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर चार, भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हड़प्पा। हड़प्पा इसकी खोज दयाराम सानी ने 1921 में की थी। क्वेश्चन नंबर पाँच, मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अन्नागार। क्वेश्चन नंबर छः, मानव द्वारा उपयोग की गई पहली धातु कौन सी थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तांबा। तांबा मनुष्य द्वारा उपयोग की गई सबसे पहली धातु थी। क्वेश्चन नंबर सात, वर्तमान में कालीबंगन कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान। ये वर्तमान में राजस्थान में घग्गर नदी किनारे स्थित है। इसकी खोज लुगी पियो टेसिटोरी ने की थी। 1953 में एक घोष द्वारा इसकी खुदाई की गई थी। कालीबंगन का शब्द का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ, और इसके टुकड़ों के सघन वितरण के कारण इसका यह नाम रखा गया है। इसके टीले की सतह पर काली चूड़ियाँ मिली। क्वेश्चन नंबर आठ, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कपास। क्वेश्चन नंबर नौ, देवी माँ की पूजा किससे संबंधित थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिंधु घाटी सभ्यता। क्वेश्चन नंबर दस, कौन सा सिंधु शहर जो बिना गढ़ का था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चनूदड़ो। चनूदड़ो बिना किले का शहर था। इसकी खोज 1931 में एनजी मजूमदार द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11, कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोहनजोदाड़ो। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेसोपोटामिया की सभ्यता। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है। मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ होता है दो नदियों के बीच। क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अज्ञात। सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि अभी तक पता नहीं चली है। क्वेश्चन नंबर 14, वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्रामीण सभ्यता। वैदिक सभ्यता आर्यों के द्वारा विकसित की गई ग्रामीण सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर 15, आर्यों की भाषा क्या थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 16, आर्य भारत में सर्वप्रथम कहाँ आकर बसे थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सप्त सिंधु क्षेत्र। आर्यों का मूल निवास मैक्स मूलर के अनुसार मध्य एशिया था। क्वेश्चन नंबर 17, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तांबा। क्वेश्चन नंबर 18, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? इसका राइट आंसर है
ऑप्शन बी दूध और इसके उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 19, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी श्रेष्ठ या कुलीन। क्वेश्चन नंबर 20, ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पशुपालन। क्वेश्चन नंबर 21, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किससे लिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऋग्वेद। ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है और ये सूर्य देवता को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 22, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 23, पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक कौन सा पुराण है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मत्स्य पुराण। क्वेश्चन नंबर 24, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 9। क्वेश्चन नंबर 25, किस वेद में बलि सूत्रों का जिक्र किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यजुर्वेद। धन्यवाद दोस्तों।